नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का जो वीडियो है फ्लैट फूड रिलेटिव मैं बनाने जा रहा हूँ। इसका क्या है, कई लोगों का मैसेज आया था कि आप लोग को जो है प्रॉब्लम फ्लैट फूड का है, तो सर इसको कैसे दूर करें। देखो, इसको ज़्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आपको इंसोल में जो भी आप जूता डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उस जूते को लेकर आपने क्या इंसोल में एक कर्व बनाना है, जो कि आपका जो लेग का जो कर्व होता है आप देख सकते हैं उसको क्या है, जितना भी यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो क्या है, जितना लॉन्ग टाइम में इस्तेमाल करेंगे आपको कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको रनिंग के दौरान इस्तेमाल ना करें, रनिंग के दौरान हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इसका इस्तेमाल डेली रूटीन में करें। जब भी आप ऑफिस आते हो दिन भर में आप जूते या कोई और पहनते हो उसके बजाय इस जूते को पहने, दिन भर इस्तेमाल करना है आपने। सिर्फ मैं आपको यह कहूँगा कि आप रनिंग के टाइम पे इसको इस्तेमाल ना करें। कैसे बनाना है आप धीरे धीरे से प्रैक्टिकल में ग्राउंड में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको बनाने के लिए जूते चाहिए, आपका फॉर्म चाहिए और एक इलास्टो प्लास्टर, उसके बाद एक कैंची, ठीक है। ये देखिए, ये सामान से आप बना सकते हैं। इलास्टो प्लास्टर को हम खोल लेते हैं इस प्रकार से। ये है आपका इलास्टो प्लास्टर जो आपको इसमें मदद करेगा, ठीक है, चिपकाने में। देखिए ये होता है आपका इलास्टो प्लास्टर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बनाने के लिए इसमें सामान क्या क्या चाहिए होगा, जूते जिसमें आप डेली रूटीन मतलब आप चल रहे हैं ऊपर जहाँ भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो जूता ले लीजिए। उनके आपको क्या है इंसोल निकालना है इस प्रकार से, ठीक है, ताकि आप इंसोल के जो साइज़ है उस हिसाब से आप बना सकें। उसके बाद आपको फॉर्म चाहिए, उसको इलास्टो प्लास्टर और कैंची। बनाना कैसे आपने, सबसे पहले तो इसके साइज़ का आप क्या करेंगे, ठीक है, ये जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन इतना इतना बड़ा आपको चाहिए होगा, ठीक है, कट। तो कैसे काटना है अभी देखिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो एक मैंने बनाया है, आपको बनाना कैसे है। पहले जो नीचे वाला लेयर है आपने ये बना दिया एक, है ना, थोड़ा सा लंबा रखना ताकि इधर उधर वो ना हो, जो आपका इंसोल है उसके साइज़ के हिसाब से बनाना, जहाँ आपका पैर का कर्व रहता है वहीं पे बनाना है। उसके बाद सेम एक दूसरा लेना है आपने, ये देखिए इस प्रकार से, पर ये क्या है ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा साइज़ होगा। वो क्या था, बड़ा साइज़ था, इसका क्या साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। ये देख सकते हैं आप, अब ये क्या है उससे थोड़ा छोटा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में टेप लगाना है आपने, ये देखिए इलास्टो प्लास्टर होता है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ये ले लिया और एक छोटा ले लिया। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो एक और भी ले सकते थे ना, आपको कम पड़ रहा है, मेरे जो कर्व है जो आपका पैरों का है ना, जो फ्लैट फुट का है, अगर नहीं पड़ रहा है तो आपको तीन स्टेप भी रख सकते हो धीरे धीरे, पर शुरू शुरू में आप पहले एक महीने में इतना ही करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपने ये ले लिया, अब ये देख सकते हैं आप, आपका ये है, ये क्या है आपको पता ही है, इलास्टो प्लास्टर है ना, इसको क्या है आपने क्या करना है, इसके ऊपर से इस प्रकार से लगा देना है, ये देखिए इसका लेना है और यहाँ से इसको चिपका देना जैसे मैंने किया हुआ है। फिर उसके बाद फिर ये लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर आपने क्या करना है, हाफ प्लास्टर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओनली हाफ लेना है। उसके बाद लास्ट में इसको क्या करना है आपने, ये देखिए चारों तरफ एक बार आपने क्या करना है, इसको राउंड मार देना ताकि इधर उधर खिसके ना हो। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो और भी हाइट दे सकते हो, अगर आपका बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फ्लैट फुट है ना, दिक्कत है, तो जिसका कम कम है तो कम कम बनाए, है ना। तो इसको पहन के देखिए, कम से कम आप 2 महीना 3 महीना डेली रूटीन में इसको शामिल करिए। ध्यान रखिए जब भी आप ये बनाते हैं तो ज़्यादा रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आपको रनिंग नहीं करना है। जब भी आप नॉर्मल रूटीन में रहते हैं तब आप इसको दिन भर पहन के रखना है, ये ध्यान रखिए। बाकी बनाने में ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा, नॉर्मल इलास्टो प्लास्टर लेना है, कोई भी एक फॉर्म लेना है जो थोड़ा हार्ड हो, ज़्यादा सॉफ्ट वाला नहीं लेना है आपने, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जूते में डालना है इसको, ये देखिए मैंने जूते में डाल दिया है। अभी डालने के बाद आपने क्या करना है, जूते पहनना, थोड़ा सा लेस सीधा कर लीजिए, है ना, ये देखिए। तो 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए मुझे तो फर्क हो रहा है दोस्तों, ओ गॉड वाओ, फर्क पड़ रहा है। ध्यान ये रहे आप कभी भी ध्यान रखना, आपका जो फ्लैट फुट का जो कर्व है वहीं पे ही वो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, जोर नहीं पड़ रहा है उस जगह पे, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा उसको आगे पीछे कर सकते हो, ये ध्यान रहे जब भी आप ये बनाते हो। ये देखिए है ना, ये जो आपका फ्लैट फुट है ये देख रहे हो, यहीं पे जोर पड़ना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखिए।
तो इसका जोर कहाँ पे पड़ना चाहिए उसको छोटा से छोटा बनाइए, यहाँ पर ही जोर पड़ना चाहिए ताकि जो आपके जो हड्डी है, जो ये जो हड्डी है पैर का यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या जितना जोर पड़ेगा वो क्या करेगा अपना थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर सकता है अगर ये कंटिन्यू आप ये करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको फ़र्क मिलेगा। करके देखिए, अच्छा बनाइए टाइम से। मैंने तो थोड़ा जल्दीबाजी में बना दिया है, तो कोशिश करना आप अच्छे से टाइम से बनाएं। इस प्रकार से बनाना है आपने, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ध्यान रखिए छोटा से छोटा बनाना है ताकि उसमें ही डायरेक्ट आपका जहाँ पे कर्व है वहीं पे ही जोर पड़े। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।